हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। शूट रोकनी पड़ी थी, वैनिटी वैन को वो मार रहे थे, हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे। 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। लोगों का कहना है कि जो गदर 1 और गदर 2 में जो फिल्म देख के निकलेंगे, तो हमने जो 1 का हमने जो इतना दारोमदार देखा था, 2 में वो क्या रिएक्शन होगा जब हम पर्दे से निकल के बाहर आएंगे, वो क्या चीज़ महसूस करेंगे जो हमारे दिल में हमारे दिमाग में बसी रह जाएगी। जब गदर 1 लगी थी तभी मुझे नहीं पता था तब मैं कैसे बता सकता हूँ उस वक्त भी हमने पिक्चर की थी बस सच्चाई के साथ और पूरी लगन के साथ। बाद में जैसे कहा गया, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, लोगों ने उसे गदर बना दिया, उनके दिल को छू गई, बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म के साथ भी वो। क्या बात है। सिमरन सिंह DNS से पूछती हैं, अनिल जी आपके लिए है कि कॉन्सेप्शन जो आपने एक सोचा होगा, कॉन्सेप्ट होता है एक चीज़ का, पहले और 2 में क्या डिफरेंस है? पहले जो है वो इनकी कथा है, इनिशियल डेज की कथा, तारा की, सकीना की, और सेकंड उनके परिवार की, और सेकंड जो कहानी है इनके आगे की, इनके 20 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या घटा। तो ये एक तारा सकीना के परिवार की कहानी है, जो इनकी ज़िंदगी में, तारा सिंह की ज़िंदगी में पहले क्या घटा और बाद में तारा सिंह और सकीना की ज़िंदगी में बाद में क्या घटा। तो एक पारिवारिक कथा है जो कि आगे बढ़ती चली जा रही है, समझे ना जी। जैसे हम महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, तो वो कथा कंटिन्यूस चलती है। हम गेम्स ऑफ थ्रोन की बात करें तो कथा कंटिन्यूस चलती है, ऐसे ये कथा भी कंटिन्यूस चली है। गॉडफादर की बात करें तो कथा चलती चली जाती है उन किरदारों की, तो उन किरदारों की कथा है। और क्योंकि वो किरदार लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, इसलिए लोग उनसे बहुत कनेक्ट करते हैं और उनके हंसने बोलने रोने में हर तरह से उनके साथ जुड़ जाते हैं। सुमित ने कहा है कि जिस तरह से पहली गदर 1 प्रेम कथा थी, तो गदर 2 क्या है? गदर 2 भी पारिवारिक के प्रेम, परिवार के प्रेम की कथा है। वो पहले तारा सकीना की कथा थी, अभी परिवार के प्रेम की कथा है। किंजल शाह अहमदाबाद मिरर से भेजा है उन्होंने कि सनी देओल से पूछना चाहती हैं कि जो अधिकतर लोग जो पहले फिल्म देख चुके हैं और इस फिल्म में, वो कौन कौन से मोमेंट आने वाले हैं जब भारत देश प्राउड महसूस करेगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, फिल्म मुकम्मल एक होती है जिससे देख कर आदमी पूरा वो जोश के साथ निकलता है बाहर। कोई एक चीज़ नहीं होती, पूरे कैरेक्टर्स होते हैं जो उससे लेकर जाते हैं, और हादसे ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान लड़ता है और फिर फतेह पाता है, तो उसके बाद एक बात बनती है। तो गदर में भी, हमारे 2 में भी वैसा ही है, एंड में जाकर जिस तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन है लोगों को बहुत पसंद आएगी। क्या बात है। उत्कर्ष शर्मा आपके लिए क्वेश्चन है, किंजल शाह का ही है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन की शुरुआती, करियर की शुरुआत ये फिल्म है, अगर आप अपने जीवन में कौन सी दो चीज़ें ऐसी जो सीखी हैं करियर की शुरुआत में ये फिल्म करने के बाद सनी बाजी और अनिल जी के साथ में, वो क्या क्या चीज़ें, दो चीज़ें? वेल, सनी सर के साथ जो एक चीज़ सीखी है कि जब आप स्क्रीन पे, जब आप कैमरा के सामने उनके साथ होते हैं, तो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि अपने आप आदमी को अगर डर फील करना है तो डर फील कर लेता है, लव फील करना है तो लव फील कर लेता है। उनकी आंखों में देखिए, आपको सब महसूस हो जाएगा। तो संपिता AVP डिजिटल से भेजी है सनी देओल के लिए, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि OTT का ज़माना चल रहा है, फिल्में रिलीज़ हो रही हैं और इतनी सारी फिल्में आती हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में गदर 1 दिलों में छाई हुई थी, और अब जो आ रही गदर 2, लोगों ने आज ट्रेलर देखा है, टीज़र पहले देख चुके हैं, तो ये जो पूरा इम्पैक्ट बनता है सनी देओल की फिल्म से ही, क्यों ऐसा लगता है कि यार यही हिंदुस्तान के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है? मेरे करके नहीं होता, ये कैरेक्टर्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। जैसे तारा सिंह जो है, मेरे को लगता है तारा सिंह एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है, जहाँ भी किसी को कुछ भी करना हो वो हमेशा तारा को देखता है, क्योंकि इस तारा की एक सिंप्लिसिटी है, तारा की एक प्यारा है, प्यार है अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और उसकी जो ताकत है, जब कुछ भी आँच आ जाए परिवार के ऊपर तो फिर कोई चीज़ छोड़ता नहीं, सब फाड़ देता है जो हर आदमी चाहता है। बॉलीवुड बबल से रशिता शाहनी बोलती हैं कि गदर 1 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तोड़ फोड़ कर दिया था, जबकि शुरुआती तौर पर जैसे इन्होंने कहा है गदर को दूसरा नाम दिया गया था, अमित शाह ने कुछ समय पहले बताया, तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से गदर 2
के बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा? सनी भाजी देखिए, आप मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार, मैं मेरा यही हमेशा कहना होता है कि गदर जो बनी थी लोगों ने गदर बनाई, मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि इससे भी वो गदर बनाए, और पूरी उम्मीद है कि बन जाएगी। बाकी 11 तारीख को देखेंगे जिस तरह से, लेकिन जो एम्बियंस है, जिस तरह से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर उनको छुएगी, बिकॉज ऑलरेडी क्लिप्स आ चुके हैं जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे गाने, हमारे इमोशंस, जो चीज़ें आ रही हैं। मिथुन ने म्यूज़िक इतना अच्छा दिया है, और भी गाने हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे गाने हैं जो आगे आगे आके आप सुनेंगे। बिकॉज पिक्चर की ताकत हमेशा सिर्फ एक नहीं होती, लेकिन पूरी कहानी होती है, इमोशंस होते हैं, तो उसके साथ म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेरे ख्याल से म्यूज़िक की वजह से पूरी चीज़ें जुड़ जाती हैं। भाई लिख के दे दो मुझे यार, मैं सब पढ़ रहा हूँ इन लोगों के। ओके, पूछिए 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 पूछिए, हाँ जी पूछिए। देखिए जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग प्ले करते हैं उसके अंदर हमारा हिस्सा ज़रूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो, तो इंसान के अंदर ऐसे ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। अमीषा आपके लिए क्वेश्चन आया दैनिक जागरण से, ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं, लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हुए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो अब आप। मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रहे हैं, पंप उखाड़ दिए थे। शूट इतना बढ़िया रहा, इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी, वैनिटी वैन को वो मार रहे थे, हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी, और नाइट शूटिंग थी, हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे, जान पे आ गए थे, और हमारे मेकअप वैन पे इतने खट 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 कि अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में, उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था, सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी मैं देखा था इस पर्दे पर, तो मुझे महाभारत कुछ चीज़ें इसमें कुछ ग्लिम्स नज़र नहीं आ रहे ना, अर्जुन के अभिमन्यु के ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है पर्दे पर देखिए ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, कितना घुमाते हैं, जल्दी क्या है, डायरेक्टर लोग ऐसा घुमा देते हैं ना, अभी क्या बोलूं यार। हाँ। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे घुमा दिया इन्होंने। क्या करूं, मैं तो मीडिया का आदमी हूं भाई, इधर तो यहां सिर्फ मैं बहुरूपिया बन के आता हूं, मैं एंकरिंग करता हूं, क्योंकि पूरी तरह से मीडिया का आदमी, उनके जो क्वेश्चन थे वो पूछा था, तो भाई बता दीजिए ना आपके वाकई कुछ है ऐसा है। आप पर्दे पर देखिएगा, कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ, पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है, तो चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गदर के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे हैं और हमेशा लगे हैं, और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं उसके बाद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जितनी भी टेक्नीशियंस हैं, जितनी भी टीम है मेरी, सफलदा निधि जो भी सारे टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, उन सब का बहुत बड़ा सहयोग है गदर को गदर बनाने के लिए। वो देखो निशीत बाबू खड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा सहयोग है, उन पर मैंने बहुत गुस्सा करता रहा हूँ, लेकिन अब डिस्कवर किया है कि वो अच्छे इंसान है, बढ़िया है। इधर हमारे सुमित बाबू हैं, उनके बारे में मुझे उल्टा सीधा, लेकिन अब सब डिस्कवर हो रहा है। उधर हमारी सब बैठे हुए हैं। हाँ, और सब जानते हैं कि अनिल जी हमें सिर्फ 40 घंटा नॉनस्टॉप काम करवाते हैं, ये भी बात बता दूं मैं। तो वो उसी 40 घंटे की वजह से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब 40 नहीं 45 भी करते हैं मेरे साथ। सो आई लव माई टीम। सबीना बैठी है, मास्टर जी बैठे हैं, दो दो मास्टर जी बैठे हुए हैं, और वो दाढ़ी वाले वो तो उनको मुझे हंसा हंसा के लोट पोट कर देते, 40-50 टेक से कम करते ही नहीं। और ये हमारे बैठे हुए सब, तो इन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सारी यूनिट को, सारी टीम को, और तहे दिल से कहता हूँ गदर अब नहीं बन सकती थी, और आज ट्रेलर भी कैसे आया है कैसे खुदा जाने, बस उसका ईश्वरी मालिक है, बस 5:30 बजे CC मिला
और कैसे करते करते आया है वो मैं सारे अपने असिस्टेंट्स और सारे अपने रिकॉर्डर्स और सबको मोंटी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इतना वादा करते हैं जी हाँ, अनुराग पांडे का वादा है कि 11 अगस्त को आप लोगों को मजा आने वाला है। देखो